मंच पर विराजमान हमारी DDC मैम और जो मातृ शक्ति हमारे बीच में है और सभी मेरे भाई बहन, आज आपको पता ही होगा कि जो हमारा रैली का आयोजन है वो यूपी में, जो हमारे चार राज्यों में प्रचंड बहुमत हमारी पार्टी ने पाई है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो पार्टी के बहुमत परिवार बोलेंगे, जो कार्यकर्ताओं ने जो रैली का आयोजन रखा है उसी उपलक्ष्य में रखा है। मैं अपनी तरफ से और पूरे ब्लॉक की तरफ से मैं आपको बधाई देती हूँ। देखो जैसे मैं चाहती हूँ कि जैसे यूपी में हमारा एजेंडा जो बुलंद हुआ है, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। देखो मोदी और योगी जो ये दोनों हैं, एक राम और दूसरा लक्ष्मण है, जैसे वो बोलते हैं वैसे करते हैं, और हमें अपने पार्टी पर गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हम उस देश के हैं जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको आज जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आने वाले जो हमारे 3-4 महीने हैं उनमें जैसे हमारे सरपंच मैडम ने बोला है कि कमर कस लो, कमर कस लो, और लोगों को जो भी छोटी मोटी स्कीम है। जनता पार्टी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस विजय रैली में हमारे बीच में उपस्थित भाजपा के महामंत्री महेंद्र पाल जी, DDC मैडम, महिला मोर्चा की बहने, यहाँ पर जो पंचायत आए, सरपंच आए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं सबको बहुत बहुत नमस्कार और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज इस पावन धरती पर विजय रैली में जो जन सलाम हो रहा है उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ। चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है साथियों, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जीत हुई है। जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी पर अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों ये संकेत है आने वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों में जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक विचारधारा है जिसमें ये कहा जाता है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर आज कई बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। साथियों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी 2014 के चुनावों में जब प्रदेश अध्यक्ष जी को विशाला सुंदरकांडी गांधी जयंती से ऐसा MLA चुनकर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। मैं आपसे कहना चाहूंगी मात्र 3 साल में प्रदेश अध्यक्ष जी ने विशाला सुंदरकांडी गांधी जयंती को एक नई दिशा दिखा दी। उसमें उन्होंने रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ट्रांसफार्मर, कॉलेजी और भी अनगिनत कार्य किए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ उनका ये कार्यकाल निशाना सुंदरवाणी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक गोल्डन पीरियड रू है। अपने ने इन्हीं की इसी विचारधारा से नेता दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, हम इनसे कहना चाहते हैं आपको शर्म होनी चाहिए, शर्म करो, शर्म करो, अपने नेता तो आपसे संभाले नहीं जाते, आगे बीजेपी की बातें करते हो, मोदी जी पर बातें उठाते हो। मोदी जी ने देश का नक्शा बदल दिया है। इनके मोदी जी के बारे में ये कहना चाहूंगी, जगह जगह ही मोदी से विकसित करती भारत, सदा सदा ही चमचक से मिर्चे लगती युगे युगे। मोदी साहब प्रचंड जीत हुई है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी निशाना कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं अंत में सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, जिस तरह अजय साहब को सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी, जिस तरह PDD वर्कर्स की मांग को आपके पूरा किया, उसी तरह गर्मी आने वाली है,
आप हमारे पीएचई वर्कर भाइयों की मांग को भी पूरा करें। इसके साथ आनंद साथियों, मैं याद करना चाहूंगी अपने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था और आज हमें उनका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। अटल जी ने कांग्रेस से कहा था, भारत भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, जहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जी